ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। यूसुफ सबको कहिए ईद मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। इस्माइल चुराना शुरू। इस्माइल तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज के लिए और मैं भी जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे पता ये चला है कि सऊदी अरब में औरतें भी जाती हैं और शुक्राना पढ़ते हैं। इन्होंने ना मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप भी जाइए, फर्स्ट टाइम है, क्यों मौका गंवाना घर में रह के। तो मैं भी जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोग के साथ अगर कुछ रहा तो शेयर करूंगी। चलिए अल्लाह हाफिज। जब से गाइज यहाँ पे लाइटें लग गई है ना, ये जगह तो मेरी फेवरेट हो गई है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले तो इतना अंधेरा था ना, डर सा लगता था, लेकिन लाइटें जब से लग गई ना बहुत अच्छा हो गया। मैं सीढ़ियों से जाती आती हूँ, एक फ्लोर है क्या लिफ्ट यूज करना। और ये देखिए यूसुफ की शूज़ कितनी ज़्यादा लाइटिंग कर रही है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और यूसुफ हमेशा मुझे मुड़ मुड़ के देखता है, यूं ही जब भी मैं उतरती हूँ उसे लगता है जब मम्मी पीछे से नहीं आ रही है, गायब हो गई है, यूं ही देखता है। قمتم ليلكم تطلبون العتق من النار وها أنتم اليوم تسألون الله. माशाल्लाह नमाज हो चुकी है, सब अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं, कुछ यहीं पे रुक रहे हैं, थोड़ा फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, यादें ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह मैंने जैसा कि कहा था ये पारपली मस्जिद में हमेशा आते हैं यहीं नमाज पढ़ने के लिए ईद की। आज भी ये यहीं आए हैं, पिछले 15 साल से ही वो यहीं नमाज पढ़ रहे हैं। और फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद मैंने बिरयानी मतलब वगैरह की थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे गाइस। और खीर जो थी ना मेरी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने फिर से खीर बनाई है क्योंकि इतना ज़्यादा सबको खीर पसंद आया माशाल्लाह। ये देख सकते हैं अभी इसमें सिर्फ दूध है और ड्राई फ्रूट्स है। उसके बाद मैंने फिर से खीर बनाई ज़्यादा क्वांटिटी में, माशाल्लाह सबको खीर बहुत पसंद आई। तो अभी खीर जो है ना बन ही रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मटन को ना अच्छे से मसालों के साथ दही के साथ उसे मिक्स करके मैं रख दूं, ताकि फिर मैं डायरेक्टली बस चढ़ा दूं और मेरा टाइम बच सके। तो बस इधर खीर बन रही थी, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी, कितना प्यारा कलर आया। तो मैं इसे भी अब बना लेती हूँ। मटन मैं अपने लिए बना रही हूँ और रात में इनके आएंगे कुछ स्पेशल मेहमान, उनके लिए भी है ये गाइस। और बस थोड़ा सा गलाऊंगी क्योंकि मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, आप लोगों को पता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह गल ही चुका है। उस हिसाब से तो जो बूटियाँ हैं ना वो टूटने लगी हैं। और मैंने आपको कल ही दिखाया था किस तरह बिरयानी वगैरह इन्होंने बाटी निकाली और मेहमानों के लिए भी, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर ली थी। तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा सिंपल बनाना चाहती थी क्योंकि मैं कल ही चांद रात वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था। और यहाँ देखिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे उनके फ्रेंड्स, सब ने वैसे ईदी दी यूसुफ को, किसी ने 20 किसी ने 30। तो और एक उनके फ्रेंड थे जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आ गए थे, तो ये वाला मतलब ग्रेप्स था, अच्छा लग रहा था, तो टेस्टी था यार। पता नहीं इसको क्या नाम कहते हैं, कुछ डिफरेंट, मुझे लगता है ये डिफरेंट वाला ग्रेप्स था। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज विद ड्रेसिंग टेबल। मैंने फ्रिज के ऊपर ही अपना सेटअप कर लिया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे करूँ। और फैला के मतलब नीचे रखती तो यूसुफ कुछ रहने नहीं देता, वैसे तो यहाँ से भी ले लेगा वो, लेकिन मैंने यहाँ पे ही अपना कर लिया सेटअप। और उसके बाद तो फैल जी लेकर आए हैं, नेस्टो गए थे ये वहीं से वहीं, और केक लेकर आ गए माशाल्लाह। मुझे उम्मीद नहीं थी पर ये लेकर आ गए यूसुफ के लिए, हमारे लिए माशाल्लाह वाइट फॉरेस्ट केक लेकर आए हैं, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो इन्होंने कहा ईद का दिन है, केक कैसे नहीं हो। और तो बस ये लेके आ गए, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चांद रात के बाद से वक्त नहीं मिला 5 मिनट के लिए भी, और मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। उन्हीं सादों कपड़ों में मैं सारा काम कर रही थी, मैं घूम रही थी, ये मुझसे कह रहे हैं कि रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ। मैंने कहा हो जाऊँगी हो जाऊँगी हो जाऊँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं न्यू कपड़े पहनूँ और वो गंदे हो जाए या ख़राब हो जाए फिर मैं काम करूँ। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं पहन लूँ थोड़ी देर बैठूँ, बस इतना काफ़ी है। तो यूसुफ भी बहुत खुश था केक देख के माशाल्लाह। और मैंने जो है ना यूसुफ के लिए वो लेकर आए थे, और मैंने इनसे कहा कि चले ईदी दे, पूरा दिन गुजर गया मेरी ईदी दे, इनका ईदी नहीं मिलेगी। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे ईदी नहीं देंगे, मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअली मना करने का रीज़न ये था गाइज कि ये कहते पहले आप रेडी हुओ
तभी मैं आपको ईदी दूंगा, और यूसुफ को भी तैयार करो वरना मैं नहीं दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों का सारा टाइम तो ना मेहमानों के यहाँ चला गया और फिर बाकी कामों में चला गया, फिर सफाई भी करनी होती है, घर बहुत गंदा बच्चे वाला घर है, तो आप सारी चीज़ें इधर उधर तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो फाइनली हो गई मैं रेडी, ये देखे आप लोग मैं तैयार हो रही हूँ, मैंने वही ब्रेसलेट वॉच और वही सारी चीज़ें पहनी है, थोड़ा मेहंदी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। यासिन की दी नानू नानी देंगे और अब्बू भी देंगे, अब्बू बोल दिए नानू को वहाँ देंगे। अच्छा यासिन की दी यानी वहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी, ये यूसुफ को ईदी मिलेगी, ये यूसुफ ईदी ये सबको ईद मुबारक है। तो कल सबकी ईद है, एडवांस में सबको ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। और आज का दिन बहुत अच्छा बीता लग रहा है, आपकी भी बहुत 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 अच्छी बीते, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो उसे दरगुजर करें और खुश रहे, क्योंकि ईद का दिन बहुत ही खास और अहम होता है, होती है घर में काम को लेकर या कुछ को लेकर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसे इग्नोर मार दे। और अक्सर जिन घरों में भाई बहन होते हैं ना उन घरों में तो और हो जाती है, कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है ईद वाले दिन। ईद का दिन साल में एक बार आता है, बहुत स्पेशल होता है, उसे इंजॉय करे, खुश रहे, सबसे ईदी बटोरे, खर्च करे, जमा करे, जो मर्जी करे, लेकिन एंजॉय करे। अल्लाह हाफिज़।